Hey everyone, this is me Gurvit, and today's video it's all about how to install latest version of Kali Linux. आज हम हमारे कंप्यूटर में VMware के अंदर हम Kali Linux का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल मारने वाले हैं. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज हम सबसे पहले हम ISO फाइल डाउनलोड करते हैं. सो डाउनलोड करने के लिए आपको kali.org पे टाइप करके और आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है उसका लेटेस्ट वर्जन. उसका लेटेस्ट वर्जन 2020.4 है. उसको आपको टॉरेंट में से डाउनलोड कर लेना है. और अगर मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊँ आपको, तो अगर क्या क्या चेंजेस आए हैं इस वर्ज़न में और उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब रिलीज़ हुआ तब का ब्लॉग है. और यहाँ पे जी शेल बाई डिफ़ॉल्ट आ चुका है. और अभी तक का जो Kali Linux था उसमें बाश शेल आता था. सो बाश शेल तो रहेगा ही यहाँ पे. यहाँ पे आप देख सकते हैं बाश शेल मैक ओवर, बाश शेल तो रहेगा ही, बट जी शेल बाई डिफ़ॉल्ट कर दिया हुआ है. और यहाँ पे मैसेज एट लॉगिन आपको मैसेज शो होगा. और विनकैक्स भी आ गया है. जैसे हम यहाँ पे विंडोज़ के अंदर WSL आता है, उसी तरह हमें यहाँ पे लिनक्स में भी विंडोज़ काम करने को मिलेगा. सो यहाँ पे जीशेल के बारे में थोड़ा कुछ लिखा हुआ है किस तरीके से काम करेगा और उसकी फंक्शनलिटी हम देखेंगे क्या नया है जीशेल के अंदर. और बाश आरसी होती है, ऐसा आरसी भी होती है. सो उसे भी हम देखेंगे. सो यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं. हम अभी पढ़ते नहीं हैं बिकॉज यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है. सो हम लाइव ही इंस्टॉल करके देखेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्री रिक्विजिट है वो आपको VMware को इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो आपको मैं हर बार बताता ही हूँ, कोई भी नहीं OS लाता हूँ तो आपको VMware वर्कस्टेशन को आपको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर देना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको. और आप जो भी वर्जन आपको अच्छा लगता है आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल भी कर दीजिए. मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, आप सीधे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए. कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. और यहाँ पर आप डाउनलोड्स पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप जैसे ही वर्क स्टेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे Kali Linux का मैंने जो बोला था उसको डाउनलोड कर लेना है ISO फाइल को. और हमें यहाँ पे VMware को स्टार्ट कर देना है. हम जैसे ही VMware को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमने Kali Linux की फाइल देखी हुई है. सो वहाँ पे सबसे पहले हम नया मशीन क्रिएट कर लेते हैं. और यहाँ पे हमने Garuda Linux भी की थी, Chrome OS भी की थी इंस्टॉल. सो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने दे दिया हुआ है, आप उसे भी जाकर ले लीजिए. और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. और सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. सो यहाँ पे हम नया क्रिएट कर लेते हैं. हम ISO फाइल सिलेक्ट करनी है और यहाँ से हम ब्राउज़ करके हमें हमारी जो भी ISO फाइल जहाँ भी है उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है. और हम यहाँ पे Kali Linux 2020.4 को सिलेक्ट करेंगे. और आगे हम यहाँ पे Linux सिलेक्ट करके Debian 10 पे चले जाएंगे. और नेक्स्ट पर यहाँ पे हम नाम दे देंगे. और आपको अगर यहाँ पे लोकेशन बदलना है, आपको जो भी लोकेशन पर सेट करना है अपना Kali Linux का जो वर्चुअल फाइल होती है सारी, उस लोकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 2020.4. और यहाँ पे हमने एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, आई थिंक ई ड्राइव में ही है. सो वहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे. और मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना है सो हम नेक्स्ट करके यहाँ पे 14 GB दे देंगे. और मल्टीपल की जगह सिंगल फाइल ही रखेंगे ताकि बहुत सारी फाइल ना आए. और यहाँ पे थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेंगे हार्डवेयर को ताकि थोड़ी हमें बेटर स्पीड मिले. सो हम यहाँ पे प्रोसेसर का 2 कर देंगे यहाँ पे. और इसे डायरेक्ट आपको क्लोज कर देना है और फिनिश. सो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली हो चुका है क्रिएट. सो आपको सबसे पहले पावर ऑन करना है और सारी अभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा. आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा कौन कौन से नए फीचर्स है. और यहाँ पे अगर मैं बात बोलूँ तो पहले वाला जो Kali Linux था तो उसके अंदर यहाँ पे हमें जो वर्जन थे सारे टूल के, अगर आपने ऐसी टूल किट मेटास्प्लोइट जो भी मेटास्प्लोइट 5 था, सो आपने जो भी अपने यूज़ किए वो ओल्ड वर्जन थे. और यहाँ पे इस Kali Linux में सारे वर्जन को भी अपडेट कर दिया हुआ है. सो आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा और बेटर सब आपको टूल मिलेगा. सो यहाँ पे आपको ग्राफिकल इंस्टॉल करना है और हम ग्राफिकल को सिलेक्ट कर लेते हैं. और सबसे पहले हम यहाँ पे विंडोज़ को थोड़ा फुल स्क्रीन कर देते हैं और
ग्राफिकल इंस्टॉल पर आपको क्लिक करना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ चुका है हमारा काले बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। सो हमें यहाँ पे इंग्लिश करके कंटिन्यू कर देना है, यूनाइटेड स्टेट ही रखना है हमें। अगर आप इंडिया रखेंगे तो आपको कुछ यूटीएफ का प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना है तो आप यूनाइटेड स्टेट ही करके आगे चलिए, बिकॉज यहाँ पे हम वीएमवेयर पे यूज़ करने वाले हैं इसलिए। और यहाँ पे हार्डवेयर डिटेक्ट कुछ होगा और सब सारा मीडिया स्कैनिंग। सो अभी यहाँ पे हमें हमारा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसे हमें ध्यान से रखना है, बिकॉज़ यहाँ पे काले लिनक्स में कई बार होता है हम यहाँ के यूज़र आईडी और पासवर्ड इतना कुछ यूनिक डलवाते हैं और बाद में हम ही भूल जाते हैं। सो आपको ध्यान से रखना है, बिकॉज़ यहाँ पे अभी पहले काले लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही था और अभी यहाँ पे न्यू यूज़र भी क्रिएट होगा। सो यहाँ पे हमें हमारा अपना यूज़र बनाना है। सो आपको ध्यान से करना है सब कुछ। सो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आई गारंटेड आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम देते हैं इसको। सो यहाँ पे 192 ही होस्ट नेम रखना है। अगर आपने पहला काले लिनक्स जो पुराना वर्जन था वो इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पे काले आता था और यहाँ पे अभी बदल गया, 192 आ रहा है। सो होस्ट नेम को हमें चेंज नहीं करना है, यहाँ पे भी कंटिन्यू कर देंगे हम। और यहाँ पे आपको यूज़र नेम लिखना है। यहाँ पे अगर हम यूज़र नेम लिखे कोई भी, अभी हम यूज़र नेम XYZ ही रखते हैं, XYZ या फिर मैं गुरु लिखता हूँ। और यहाँ पे हम कंटिन्यू देंगे और हमारा यूज़र नेम अकाउंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम रखना है और आपको याद रखना है कि कौन सा है। यहाँ पे हमारा गुरु है और हम पासवर्ड डाल देते हैं 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही डाल देंगे। और यहाँ पे पासवर्ड भी हमें याद रखना है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 हम कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पे ईस्टर्न करके, और यहाँ पे हम अभी पार्टीशन का आएगा, अगर आपको पार्टीशन अपने हिसाब से करना है तो भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट पार्टीशन ही रखिए, बिकॉज यहाँ पे हमारा वीएमवेयर है। अगर आप कोई ड्यूल बूट कर रहे हैं या फिर प्रॉपर सिस्टम आपको इंस्टॉल कर रहे हैं तो अपने हिसाब से मैन्युअली आप कर सकते हैं, बट हम वीएमवेयर से, सो हम एंटायर डिस्क ही रख देंगे और यहाँ पे पूरा हमारा एक ही में सब कुछ कर देंगे, ऑल फाइल इन वन पार्टीशन पे ही कर देंगे। अगर आपको कोई होम अलग से सेपरेट पार्टीशन चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, बट हमें वो नहीं करना है, हमें यहाँ पे वन पार्टीशन ही करना है। और यहाँ पे फिनिश पर कर देना है और यहाँ पे राइट द चेंजेस टू डिस्क और यहाँ पे यस करके कंटिन्यू कर देना है। सो यहाँ पे आपकी इंस्टॉलिंग हो रही है बेस सिस्टम। आपको टाइम देना पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पे नया वर्जन है, बहुत कुछ अच्छा लेके आया है। सो आप अगर टाइम देंगे तो अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको अगर कैडी प्लाज्मा वर्जन आपने अगर देखा होगा, मैंने गरुड़ लिनक्स में आपको कैडी प्लाज्मा ही दिखाया था, जीयूआई बेस्ड थोड़ा है। और आपको अगर वो चाहिए तो आपको सिलेक्ट कर देना है, आपको जो जो भी चाहिए अपने नीड के हिसाब से सिलेक्ट कर देना है। बट अगर आप जैसे जैसे सिलेक्ट करोगे सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए, सो अच्छा तो यही रहेगा कि बाई डिफ़ॉल्ट जो आया है उसे सिलेक्ट करके हम कंटिन्यू देंगे और उसे हम इंस्टॉल कर देंगे। और यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, आप अगर अच्छे से टाइम देंगे तो आपका डेफिनेटली इंस्टॉल हो जाएगा। ऑल राइट, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बट यहाँ पे अगर आपको बोल रहे हैं कि इंस्टॉल अगर आप बूट लोडर, सो आपको ऑब्वियसली बूट लोडर को इंस्टॉल करना है, नो नहीं देना है, यहाँ पे आपको यस करके ही कंटिन्यू देना है। बिकॉज यहाँ पे बूट लोडर अगर नहीं होगा
तो आपको यहाँ पे बूटिंग में ही प्रॉब्लम आ सकती है, आपका काले लिनक्स बूट ही नहीं हो पाएगा। सो आपको यहाँ पे यस दे के कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना कर लेना है आपका जो पहला वाला जो है आपने वन ही पार्टीशन रखा था उसको सिलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे आपको इंस्टॉल कर देना है। सो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन, और तकरीबन मुझे यहाँ पे अगर मैं मेरी बात करूँ तो 20 मिनट अराउंड लगा है। सो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आप उसको टाइम दीजिए। सो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और आपको कंटिन्यू देना है, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद एक बार रिस्टार्ट होगा आपका। सो रिस्टार्ट होने तक हम देखते हैं। सो यहाँ पे आ चुका है, और आपको अगर पता होगा तो मैंने यूज़र नेम गुरु रखा था और पासवर्ड 1234 रखा था। सो हम उसको डाल देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट व्यू हमारा काले लिनक्स का आ चुका है, अभी यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा काले लिनक्स आ चुका है। अगर हम वर्ज़न की बात करूँ तो 2020.4 है, और कई सारे नए टूल भी है और कई सारे टूल को अपडेट भी किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलपेपर भी थोड़ा चेंज कर दिया है, और सबसे पहले हम टर्मिनल को देखते हैं और देखते हैं जी शेल कैसा है, और फर्स्ट यूज़ जी शेल का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी शेल है, और इसको भी पहले वाला जो था बाय डिफ़ॉल्ट रूट आता था, और यहाँ पे अभी आपको एक यूज़र एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सो यहाँ पे अगर मैं जी शेल आपको दिखाऊँ तो आप देख, मैंने कोई भी कमांड अगर डाल देता हूँ तो आप देख सकते हैं जी शेल कमांड नॉट फाउंड। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको अगर आप MSF कॉन्सोल एक बार आपने अगर लिखा और आपने यहाँ पे अगर इसको चालू किया है एक बार, और अभी यहाँ पे अगर हम दूसरी बार भी वही कमांड टाइप करते हैं तो आपको अपने आप ही सजेशन यहाँ पे मिल जाएगा, आपको कोई फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे इसकी एक अच्छी बात ये है, और यहाँ पे अगर हम उसकी बाश आर सी फाइल भी होगी यहाँ पे, और ZSH RC भी होगी। सो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं, अपना खुद का कमांड भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सुपर यूज़र की, पहले वाला जो काले था उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट सुपर यूज़र पे ही रहते हैं, बट यहाँ पे यूज़र है नॉर्मल यूज़र है, आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगी। अगर आपको प्रिविलेज चाहिए तो आपको sudo su लिखना है, और आपने जो भी पासवर्ड डाला था आपने यहाँ पे यूज़र पे वही डाल देना है। आप यहाँ पे आ गए सुपर यूज़र पे, आप देख सकते हैं रूट। अभी आप सुपर यूज़र पे है, यहाँ पे हैशटैग आ चुका है, हैशटैग का मतलब आप सुपर यूज़र के अंदर है। यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे प्रिविलेज मिल गई है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी आपको पता नहीं चला, आप तुरंत ही कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अब अपनी सिस्टम अपडेट और अपग्रेड कर लेनी है। उसके लिए आपको आपके अगर मैंने गरुड़ा लिनक्स का आपको दिखाया होगा तो वहाँ पे पैकेज मैनेजर था, तो आपको वहाँ पे पैकमैन लिखना था, बट यहाँ पे काले है, काले पैरोट सब कुछ उसमें, वो गरुड़ा तो अर्च बेस्ड था बट यहाँ पे वो नहीं है। आप यहाँ पे अपग्रेड लिखेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अपग्रेड होना। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपग्रेड होना चालू हो गया है, और आप यस और नो देके अपग्रेड कर सकते हैं, मैं बाद में कर लूँगा। यहाँ पे अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट भी होना चालू हो जाएगा। बस इतनी बात थी, और यहाँ पे सारा पैकेज लिस्ट अपडेट हो चुका है, अभी आपको अपग्रेड ही करना है। आप जैसे अपग्रेड कर लेंगे आपका सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा टूल पहला पहले जो था वैसा ही सब कुछ है, GUI में कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पे सारे नए टूल है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर मैं आपको अभी एक्सप्लोर कराऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अगर आपको चाहिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इसके बारे में कि अगर कौन कौन से नए टूल है और किस तरीके से काम करता है ZShell उसके कमांड, तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। आई होप आपको समझ में आया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, और यहाँ पे वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और फॉलो भी कर लीजिए सोशल मीडिया अकाउंट पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।